हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं मेघालय के चेरापुंजी। दो दिन का ट्रिप है, हम स्कूटी लेके जा रहे हैं और दो दिन तक घूमेंगे और रात को एक होटल में स्टे करेंगे। देखते हैं क्या क्या अच्छे जगह है देखने के लिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम गुवाहाटी से राइड स्टार्ट कर चुके हैं। गुवाहाटी से चेरापुंजी लगभग 150 किलोमीटर होगा। हम धीरे धीरे जाएंगे, ज़्यादा जल्दी नहीं है। गुवाहाटी छोड़ने के बाद जो आपको रूट मिलेगा वो सीधा नहीं है, ज़्यादातर रूट टर्निंग रहता है, लेफ्ट या राइट बहुत ज़्यादा टर्निंग रहता है। और ये रूट आपका उमियम तक वन वे रहता है, इसलिए थोड़ा फायदा है। तो आप कार या बाइक लेके जाओ तो थोड़ा आराम से चलो। ये रोड पहाड़ों के बीच या पहाड़ों के साइड होते हुए आगे बढ़े हैं। हम जाते जाते उमियम लेक पहुंच चुके हैं। इधर हम साइड में बाइक रुका है, इधर पार्किंग है और थोड़ा चार्ज लेता है। रुके, हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं इसका व्यू देखने के लिए। काफ़ी शानदार है व्यू, आप लोग देखिए पहाड़ों के बीच होते हुए ये लेक। उमियम लेक देखने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं और हम शिलांग पहुंचने वाले हैं। इधर थोड़ा ट्रैफिक है, बाइक है तो साइड से थोड़ा थोड़ा करके आगे जा सकते हैं, और फोर व्हीलर होता तो ट्रैफिक में फंसे रहते। हम शिलांग पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं वेलकम टू शिलांग कंटेनमेंट। हम शिलांग टाउन नहीं जाके साइड से चेरापुंजी के रूट पकड़ चुके हैं। आते वक्त हम शिलांग टाउन घुसेंगे थोड़ी देर के लिए। जाते वक्त इधर हमें एक अच्छी व्यू मिला तो हम रुक गए। देख सकते हैं कितना ऑसम है ये जगह। इधर आप लोग जीप लाइनिंग भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी है, लेकिन मुझे इससे बहुत डर लगता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इधर आके। इधर तो मुझे रूडी काफ़ी मज़ा लगा। हमें जाते जाते वाका पर फॉल मिल गया, ये हम कल देखेंगे आते वक्त, आज नहीं। यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे तो हमें बांग्लादेश देखने के लिए एक व्यू पॉइंट मिलेगा और रिजॉर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन हमें जाना है राइट सीधा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं चेरापुंजी, आप लोग देख पा रहे हैं। छोटा सा मार्केट है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे हम सीधा जाएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड नहीं। इधर रुके, हम पी लिया है चाय, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। चाय पीने के बाद हम जा रहे हैं इको पार्क। इधर बाइक करने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हो रहा है। फ्रेश होने के बाद हम जा रहे हैं पार्क के अंदर, और इधर सामने से टिकट लेना है। हम ले लिया है दो टिकट, इसका 50 रुपीस लिया है। चलो अब हम जाते हैं हम अंदर। इधर सामने हो रहा है स्ट्रीट सॉन्ग, मजा आ गया। हम नीचे मेन व्यू पॉइंट की तरफ जा रहा है, देखते हैं यहाँ से क्या देखने के लिए मिलता है। इधर बच्चे के लिए खेलने के लिए झूला और स्लाइडर भी है। वाओ, कितना ऑसम है ये, देखिए दो पहाड़ है, बहुत मजा आया। और आगे देखते रहिए
और क्या क्या देखने के लिए मिलता है इधर। बाद हम खाया है रोटी, रोटी खाने के बाद हम सीधा आया होटल। होटल काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था फिर भी अच्छा था। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है। अब हमें होना है थोड़ा फ्रेश, फ्रेश होने के बाद हम जाएंगे थोड़ा बाहर, उधर एक कल्चरल प्रोग्राम है तो देखेंगे थोड़ा। प्रोग्राम देख कर आज का दिन हो गया हमारा ख़त्म। फाइनली सुबह हो चुकी है और हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है अभी, तो हम ब्रेकफास्ट खा के उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। यह है सुबह की चाय और मैगी भी है। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, इसके बाद एक थोड़ा सा एक स्पेशल चीज है, वो है असम का पान तमूल। हमारा डे टू का जर्नी हो चुका है शुरू, चलो देखते हैं क्या क्या करते हैं और क्या क्या अच्छी चीज देखते हैं आज। इधर हम आ चुके हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल, पीछे का नजारा देखिए कितना ऑसम लग रहा है। अब हम जा रहे हैं डबुल डबुल ड्राइव वाटरफॉल जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कैसा है। वाटरफॉल में मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं ओहाकाबा फॉल व्यू पॉइंट। इधर हम टिकट ले लिया और अंदर जाएंगे, इधर से व्यू देखेंगे। मैं आ चुका हूँ ओहाकाबा व्यू पॉइंट। 20 रुपीज लेते हैं, ठीक है। पीछे का व्यू पॉइंट देखिए। हम एक लाइट लंच लिया है। इसके बाद हम रिटर्न जा रहे हैं शिलांग की तरफ।
हम पहुंच चुके हैं शिलांग। यही मेन पॉइंट है शिलांग का। गाइस, हमारा ट्रिप हो चुका है ख़त्म। हम अब जा रहे हैं घर। अब बताओ हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।